हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेट नजमा बेगम वाइफ ऑफ ताहिर अली साहब के वर्क्स के बारे में आज हम बात करें, जहां पर ताहिर अली साहब ने काफी ज्यादा लीड लिया है वार्ड नंबर 15 में, जहां पर उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स करे। आज हम बात करें 7 ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जो 5 लाख रुपए के थे, 35 लाख रुपीज का ये टोटल MLA फंड था, जहां पर रोड और ड्रेन को डेवलप किया गया। एरिया वालों की एक उम्मीद है ताहिर अली कॉरपोरेटर, और उन्होंने जीतने के बाद उस उम्मीद को बिल्कुल निभाया है। जी हाँ, जो डेवलपमेंट्स रिमेनिंग थे उन्होंने जल्द से जल्द इन डेवलपमेंट्स को किया MLA फंड के साथ, और ये रोड्स अब तैयार हो चुके हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देखते हैं, हम यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिफोर के अंदर आप देखते हैं वहाँ पर रोड्स नहीं थी, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब ये रोड्स आने के बाद से कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है और लोगों के अंदर काफ़ी सुकून और खुशी देखने को आ रही है। और ताहिर अली कॉरपोरेटर जिन्होंने जो वादा किया था वो निभाते नजर आ रहे हैं। जब ताहिर अली साहब से पूछा गया कि इस बारे में उसको क्रेडिट किसको देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी के साथ साथ MLA कनीज फातिमा और फराज उस्लाम साहब का है। कितने साल से रोड की प्रॉब्लम थी? बहुत साल से थी, 10-12 साल से थी यहाँ प्रॉब्लम रोड की। अच्छा। रोड की थी, डेनिस की थी, थोड़ा लाइट का भी मसला था, अब लाइट भी ये होगी। अब गुलबर्ग के MLA मैडम कनीज फातिमा और ताहिर भाई का हम ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एरिया में लाइट का इंतजाम हुआ, डेनिस का हुआ, पानी वगैरह रोड का सब चीज का इंतजाम हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल खुश है हम। आइंदा इंशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम रहे तो हम इनको ही बोल के हम इनको आगे लेकर आएंगे। नमाज जाने के लिए भी जो बहुत तकलीफ हो रही थी साहब, सुबह सुबह फजर के नमाज को बहुत खुश हूँ मैं। अब क्यों बोल दो, मैं घड़े में गिर जाता था वैसा बहुत अनवाज में जाता। सही भी बात तो बोलो, जो भी काम करे यहाँ के हाँ दुआ देना, बस माशाल्लाह दुआ दीजिए। हाँ बनाएंगे हम लोग मिल के बनेंगे, जीने जहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुक्रिया नई रोड बनी, हाँ नई रोड, हाँ हाँ खुश है, खुश है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे आज इस हलके में काम करने का मौका दिया। मैं उसी तरह इस हलके के MLA कनीज फातिमा जी और उनके फर्जन फराज़ इस्लाम साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ग्रेवेंस पे यहाँ के वाकई लोगों की जो तकलीफों को देखते हुए अपना जो फंड इस्तेमाल करे हैं। मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से और मेरे वार्ड के पूरे वोटर्स के तरफ से भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कनीज फातिमा का और फराजुल इस्लाम साहब का और कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इस हलके के लोगों का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जीतने के बाद मेरे साथ जो अपना कॉन्फिडेंस रख कर मेरे को वोट दिए और उसी तरह अपने हिकमत से मेरे से काम भी ले रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में जो भी मेरे से या MLA साहिबा से जो भी फंड्स मेरे वार्ड में ला सकता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा। मैं कनीज फातिमा साहबा का ये एक साल के दरमियान में कम से कम 40 लाख रुपीज़ जो उनका MLA जो लैंड होता है वो मैं इस्तेमाल करा हूँ, जिसमें रहूब भाई हाउस टू फातिमा बाजी हाउस टू रहूब भाई हाउस, जिसमें ये 10 लाख रुपए है, 5-5 लाख के 2 बीट है, और उसके बाजू की ऑटो वाले मामू टू उमर कॉलोनी एग्जिस्टिंग रोड को जो ड्रेन है ये 5-5 लाख की 2 लाख रुपए की वो दो है, वो 10 लाख के, और एक जलील कुरैशी हाउस टू उमर कॉलोनी ये एक 5 लाख की बीट है, और एक अल्हम्दुलिल्लाह खुल्फे राशिदीन मस्जिद सराउंडिंग वो एक 5 लाख रुपए की बीट है, और KNZ फंक्शन हॉल के नजदीक वो एक 5 लाख की बीट है। ये टोटल मिलाकर 40 लाख रुपए मैडम के हमने इस साल में इस्तेमाल किए हैं, और ऐसे ये तो स्पेशली मैडम का एक ग्रांड है, उसके बावजूद भी जो मैडम ने 15 फाइनेंस में और अपेंडिक्स सी में करोड़ों रुपए मेरे वार्ड में दिए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी कॉर्पोरेशन जाने से पहले ही मैं समझता हूँ 70 या 80% मेरा वार्ड अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो चुका है। अब बचा है 20% इंशाल्लाह बहुत आसानी से, और यहाँ के लोगों के कॉन्फिडेंस में लेकर मैं ज़रूर वो काम मुकम्मल करूँगा। उससे हटकर भी जनरल जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनके वजीफे और उनके और भी जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, मैं ज़रूर वो भी ज़रूर सॉल्व करूँगा। मेडिकल फील्ड को लेकर, एजुकेशन फील्ड को लेकर मैं यहाँ के 15 के वार्ड नंबर के 15 के रेसिडेंट्स को दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को खिदमत का मौका दिए, और मेरे पूरे 5 साल में ऐसे ही हम कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। इंशाल्लाह शहर में वार्ड नंबर 15 एक मॉडल बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम।